हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम ये वाला स्टड्स का अर्बन हेलमेट देखने वाले हैं जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया है। 925 रुपीज़ का पड़ा है, इसकी एमआरपी कुछ 1040 रुपये के आसपास है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर अवेलेबल है, तो हम इस हेलमेट को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चलिए फटाफट अनबॉक्सिंग से शुरुआत कर लेते हैं। 2-3 दिन के अंदर हमें इस हेलमेट की डिलीवरी मिल गई थी और मैंने एक्सेस साइज़ मंगाया है। आप अपना हेलमेट का साइज़ देखकर ही मंगाना, परफेक्ट साइज़ का हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और ये हाफ फेस हेलमेट है, ये मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं। इसमें बहुत सारे साइजेज आते हैं और बहुत सारे कलर्स आते हैं दोस्तों। चलो फटाफट फिर मैं बॉक्स को खोल के बता देता हूँ। बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, बहुत ही घटिया पैकेजिंग में आया है। आई होप आप लोगों को अच्छी पैकेजिंग में आई। पैकेजिंग इग्नोर करूँ तो बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया आया है। हेलमेट को निकाल लेता हूँ। ये हेलमेट मैंने बहुत सारे लोगों के पास देखा था रोड पे, तो मैंने देखा और इसमें मेरा साइज़ अवेलेबल था तो मैंने मंगा लिया। हेलमेट को निकाल दिया, सब कुछ रख देता हूँ साइड पे और कुछ भी नहीं है थैली में। अब हम हेलमेट को देख लेते हैं, एकदम अच्छे से डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मॉडल का नाम है अर्बन ओपन फेस हेलमेट। देखो लिखा हुआ भी है अर्बन बाय स्टड्स। 950 ग्राम्स इसका वजन है, ISI मार्क वगैरह सब कुछ है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ओपन फेस हेलमेट में से आता है मेरे हिसाब से, मैंने जो भी आज तक यूज़ किए। और सबसे अच्छी बात, ये साइज़ में मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। ये एक अकेला हेलमेट है जो बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये मेरे ख्याल से नई जनरेशन को ध्यान रखते हुए उन्होंने डिज़ाइन किया है। ये आई गेस 2019 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक बहुत सारे बिक भी चुके हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत जगह बिकते हैं और सब जगह बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिकते हैं। निकले सस्ता भी है और अच्छा भी है, और ये सेफ्टी उतनी देगा जितनी ओपन फेस हेलमेट आपको देता है, फुल फेस हेलमेट जितनी नहीं देगा। और ये देखो, ये हेलमेट लॉक के लिए भी आपको अलग से रिंग दी गई है ताकि आपका हेलमेट चोरी ना हो। हाँ, हथौड़ा मारोगे तो कोई भी चीज़ टूटेगी ही, तो ये उतनी ही सेफ्टी देगा। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मस्त हेलमेट है, अपने कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वर्थ और वैल्यू फॉर मनी आता है। कभी कभी इसका प्राइस 800 के आसपास भी चला जाता है, बट 800-900,000 ही चलता रहता है। और ऑफलाइन आप जितना बार्गेन करा सको, वैसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है तो इसमें डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। और ये देखो, ये इसके साथ में मैनुअल दी गई है, उसको रख देता हूँ साइड पे, बाकी हम हेलमेट को देख लेते हैं। ये देखो, इसका लॉक फंक्शनिंग कुछ ऐसा दिया है। ऑलमोस्ट स्टड्स के सारे हेलमेट में ऐसा ही लॉक फंक्शनिंग होता है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत मटेरियल से बना होता है दोस्तों। हम आगे वो भी देखेंगे कि इसकी पैडिंग इनर वाली है वो निकलती है या नहीं। मोस्टली तो नहीं निकलेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली हेलमेट है और इनकी पैडिंग जनरली नहीं निकलती है। आप इसका लॉक वगैरह का सिस्टम देखें तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, बट ये कैसे होता है आई डोंट नो। मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ तो शायद से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट हाँ आई थिंक यूज टू हो जाएगा। और लॉकिंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल दी गई है दोस्तों, निकलेगा नहीं जब आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो, बट वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप से इम्पैक्ट आ रहा है। इसमें पिंक, वाइट, ब्लू, ब्लैक कलर आता है और आई गेस रेड कलर भी आता है, बट वो मैंने देखा नहीं है, सिर्फ अमेज़ॉन पे देखा है मैंने। तो आप अपने पास वाले स्टोर पे भी ट्राई कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो दोस्तों। और इसके अंदर से हम पैडिंग देख लेते हैं, सॉफ्ट ही लग रही है ऐसे तो, और अंदर की भी फिनिशिंग वगैरह बहुत ज़्यादा क्लीन दिया गया है। और ये वाली पैडिंग आई गेस निकलती है, हम वो भी निकाल के देखेंगे। और ये देखो, अंदर आप अगर गौर से देखो तो अंदर सब कुछ डिटेल्स दी गई है, इसके बैच नंबर वगैरह के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है और मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है साइड पे। ये देखो, ये रहा मॉडल नंबर और साइज़ लिखा हुआ XS। ओके स्ट्रेच करने पर दिख रहा है बराबर। तो यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल्स दी गई होती है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए, जो साइज़ आता है आपको वही हेलमेट खरीदे। मैं एक आपको पिक्चर बता दूंगा कैसे आपके हेलमेट को मेजर करना है, उस हिसाब से मेजर करके लेना दोस्तों। अगर साइज़ नहीं पता तो ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन लेना ट्राई करके। और ये देखो, अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है, मिनिमम सी पैडिंग दी गई है बट वो सफिशेंट है और सॉफ्ट है। ओके, ये वाली इनर पैडिंग निकलती है, इसके आगे कुछ नहीं निकलता। आप ये जो चीक पैडिंग है आप इसको निकाल के धो सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है दोस्तों। और वो एकदम ईजीली निकल भी जाती है और ईजीली एकदम फिटिंग भी हो जाती है।
जाएगी। मैं आप लोगों को फिटिंग भी करके बता देता हूँ। वो पुश बटन वाला लॉक होता है ना, वैसा कुछ टाइप का लॉक दिया गया है इसमें, और एकदम से इजीली फिटिंग भी हो जाएगा। इसके आगे की पैडिंग देखो दोस्तों, नहीं निकलती। मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मैं इसे ख़राब करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। इसके लिए मैं इसके साथ थोड़ा आराम से बिहेव कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज जितने हो गए इसको यूज़ करते करते, हालांकि ज़्यादा किलोमीटर नहीं, 10-15 ही चलाया है, बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों ये हेलमेट, बहुत ज़्यादा वर्थ लगा। मैं आप लोगों को वापस से इसको बिठा के दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है दोस्तों, जैसे पुश बटन बिठाते हैं वैसे ही बिठा देना है। बस हल्का सा आपको ज़ोर से प्रेस करना है और वो सीधा होना चाहिए, तब वो आराम से बैठ जाता है। तो आप इसको जैसे भी गंदे हो जाए आप इसको निकाल के आराम से वॉश कर सकते हो। और वॉश कैसे करना है वो बहुत सिंपल है, मतलब डिटर्जेंट में भिगो के रख देने का 15-20 मिनट, और फिर पानी में 3-4 बार निकाल लेने का, तो ऑलमोस्ट सारा कचरा चला जाता है। और आप अंदर से भी इसकी वॉशिंग कर सकते हो। हावेवर मैंने अभी तक इसकी वॉशिंग नहीं की है, 1-2 महीने में करूँगा, तो फिर मैं इसका भी वीडियो बना दूँगा। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं असली में ये हेलमेट कैसा लगता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये हेलमेट को ट्राई करने के लिए। मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया और बोला ऐसे ऐसे वीडियो बनानी है। देखो वो निकाल रहा है इसका जो ये रैपर होता है, जो वाइज़र पे लगा हुआ होता है, एकदम नए हेलमेट पे। देखो कितना मस्त लग रहा है। एक्चुअली में दोस्तों ये हेलमेट बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। मैं आगे आपको एक छोटा सा बताऊंगा ड्राइव करके भी कि ये कैसा लगता है जब आप बाइक या स्कूटर या जो भी चलाओगे, ये आपके ऊपर कैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। सिर्फ इसमें रिफ्लेक्टर्स की कमी है जो होने चाहिए थे मुझे लगता है। वो मैं अलग से 3M की टेप वगैरह वैसा कुछ लगाऊंगा, बट रिफ्लेक्टर तो लगाऊंगा। मुझे लगता है रिफ्लेक्टर होने बहुत ज़रूरी है। बाकी ये हेलमेट एकदम सुपर्ब है दोस्तों, और इसका बजट फ्रेंडली होना और भी इसे सुपर्ब बनाता है। अब देखो ये कैसा लगता है ड्राइव करने के टाइम पे, या हेलमेट का कांच खुला हुआ होता है तब देखो कैसा लगता है, तब कुछ इस तरीके का लगता है दोस्तों। और वैसे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ही लगता है दोस्तों, कुछ वैसे वज़न वगैरह तो कुछ भी लगा नहीं। और अब देख लो कि मिरर के साथ कैसा लगता है दोस्तों, कांच नीचे है इसका, देखो कुछ ऐसा लगता है। तो बस यही था दोस्तों इस हेलमेट के लिए। एकदम छोटा सा वीडियो रखना चाहता था बट थोड़ा सा लंबा हो गया है। इतना बेयर करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर दोस्तों आप भी इस हेलमेट को ख़रीदना चाहते हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके जितने भी साइज़ और कलर आते हैं मैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और अपना साइज़ चेक करने के बाद ही ख़रीदना दोस्तों आप लोगों की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल के साथ बने रहे और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।